नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के नोट्स और साथ ही साथ रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि वेस्ट ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपने इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु की संरचना के बारे में। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि जीवाणु अति सूक्ष्म एक कोश की आध जीव होते हैं, यानी बैक्टीरिया जो हैं वह माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बिलोंग करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जिनमें केंद्रक, माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडी, अंतः प्रद्रव्य जालिका या जितने भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं वह सब नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थिति होते हैं। तो इनके अनुपस्थिति में भी ये कोशिका एक कॉम्प्लिकेटेड सेल्स के रूप में पाई जाती है और हम देखते हैं कि एक जीवाणु कोशिका की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए देखें, जीवाणु कोशिका के सबसे चारों तरफ एक कैप्सूल का लेयर होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग जीवाणु कला या कोशिका कला भी कह सकते हैं, फ्लैजिला, पिलाई या फिम्ब्री के नाम से इन्हें जानते हैं, साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड होते हैं और राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। आइए इन सब के बारे में डिटेल में हम आपको बताते हैं कि ये सभी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। इन सभी को डिटेल्स में बताने से पहले मैं आपको इस चित्र की तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। आइए देखिए जीवाणु कोशिका की एक संरचना जो कि एक प्रारूपिक संरचना यहाँ पर बनी हुई है। इस जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित भाग उपस्थित होते हैं। जीवाणु कोशिका के सबसे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल जीवाणु कोशिका को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, या फिर किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर ये कैप्सूल्स एंजाइम्स से, एसिड से जीवाणु की रक्षा करता है। इसके बाहर एक लेयर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल प्रायः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल उपस्थिति होने के कारण ही हम बैक्टीरिया को पहले किंगडम प्लांटी के अंतर्गत पढ़ते थे, परंतु फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं। सेल वॉल के भीतर एक सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला की एक परत होती है जो कि एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स जैसा व्यवहार करता है। विशिष्ट पारगम्य झिल्ली जैसा व्यवहार सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला करता है। जीवाणु कोशिकाओं में इसे जीवाणु कला भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर कुछ अन्य संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर जो मोटी मोटी संरचनाएँ लगी हुई हैं, इन्हें हम लोग फ्लैजिला या कसाबिका कहते हैं। कसाबिका जीवाणु कोशिकाओं को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। आते हैं जीवाणु कोशिका के अंदर। जीवाणु कोशिका के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड एक प्रकार का डीएनए बाहुल्य क्षेत्र होता है जहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वह पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पिलाई, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, साइटोप्लाज, प्लाज्मिड ये सभी उपस्थित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं जीवाणु कोशिका के संरचना में पाए जाने वाले वे सभी भाग का डिटेल से जानकारी करते हैं। सबसे पहला है कैप्सूल। जीवाणु कोशिका के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। यह कैप्सूल जीवाणु कोशिका को अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में या अपने होस्ट बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तमाम प्रकार के एंजाइम्स और एसिड से यह जीवाणु की सुरक्षा करता है। तो कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। पॉलीसेक्राइड्स एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स के यौगिक होते हैं जिन्हें हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। तो पॉलीसेक्राइड से ही जीवाणु कोशिका का कैप्सूल बना होता है।
द सेकेंड पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है वह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, साथ ही साथ जितने भी जीवाणु कोशिकाएं होती हैं इनमें भी एक दृढ़ सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जिन्हें हम सेल वॉल कहते हैं। यह कैप्सूल के नीचे उपस्थित होता है। बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स जो कि एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड्स ही होता है का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन्स से सेल वॉल बना होता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला की या कोशिका कला की। तो कोशिका कला किसी जीवाणु का जो कोशिका कला है वह एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या विशिष्ट पारगम्य झिल्ली जैसा व्यवहार करता है। विशिष्ट पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिनमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ों का ही आदान प्रदान होता है और ये फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन के बने होते हैं। जीवाणु कोशिका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन में कई प्रकार के एमिनो एसिड्स और फास्फोलिपिड्स जो है वह फास्फोरस और लिपिड्स का व्युत्पन्न डिराइव्स होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल बैक्टीरियल सेल इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला को हम लोग हिंदी में कसाभिका भी कहते हैं। यह कसाभिका बैक्टीरियल सेल को लोकोमोशन करने में मदद करता है। इस फ्लैजिला के मदद से कोई भी बैक्टीरियल सेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और ये अपने होस्ट सेल से जुड़ने में भी मदद करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पिलाई या फिम्बरी पे। फिम्बरी या पिलाई जो है वह बैक्टीरियल सेल्स के चारों तरफ निकले प्रवर्ध होते हैं या रोम जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल्स में हजारों की संख्या में उपस्थित होते हैं और यह बैक्टीरिया को अपने होस्ट बॉडी से जोड़कर रखने का कार्य करते हैं। इन्हीं पिलाई इन्हीं प्रवर्धों के माध्यम से कोई भी जीवाणु कोशिका अपने पोषक कोशिका से जुड़ा होता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वह किसी भी कोशिका का एक प्रमुख भाग होता है। साइटोप्लाज्म में ही कोशिका के सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उसी तरीके से एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के खातिर ये बैक्टीरियल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक एक जल सदृश संरचना होती है जो कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और तमाम प्रकार के न्यूक्लियोइड्स प्लाज्मिस्ट राइबोसोम्स और अन्य माइक्रोबॉडीज जो होते हैं इन्हीं साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। चूँकि हम लोग पहले जानते हैं कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वह एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर भी केंद्रक में के अभाव के कारण इनमें डीएनए क्षेत्र पाया जाता है। उन डीएनए क्षेत्र को ही हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण जिस क्षेत्र में डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को ही न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस न होने के कारण डीएनए जिस एरिया में जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उस क्षेत्र को उस स्थान को उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट इज द प्लाज्मिस्ट। प्लाज्मिस्ट जो होते हैं वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स होते हैं। चूँकि अभी हम बात कर रहे थे कि जीवाणु कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, अब इन केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण इनके जो डीएनए होते हैं इनके न्यूक्लियोइड क्षेत्र में पाए जाते हैं। बट इनके अतिरिक्त कुछ और भी सर्कुलर डीएनए होते हैं, कुछ वृत्ताकार डीएनए होते हैं जो कि इनके बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियोइड के बाहर दूसरे जगहों पर पाए जाते हैं। ये वृत्ताकार डीएनए होते हैं जो कि न्यूक्लियोइड के बाहर दूसरे जगहों पर पाए जाते हैं। इन वृत्ताकार डीएनए को ही हम प्लाज्मिस्ट कहते हैं। प्लाज्मिस्ट पुनर्संयोजित डीएनए के निर्माण में मदद करता है। और अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बैक्टीरियल सेल
में या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें केंद्रक या और भी जो डेवलप कोशिकांग थे ये सभी कोशिकांग वहाँ पर अनुपस्थित थे, जैसे माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी अनुपस्थित थे, बट राइबोसोम्स जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम्स के जो कण हैं वह भी बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा एक बैक्टीरियल सेल की संरचना किस प्रकार की थी, उसमें कौन कौन से पार्ट थे, उनका कार्य क्या था, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।